सुप्रभात सत्यम शिवम सुंदरम भाग 26। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। सत्य बीज है, जैसे कि बीज से ही पेड़ पौधे प्रकट होते हैं और फल फूल लगते हैं। जैसा कि कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। एक बीज दृश्यमान है जिसका हमें पता है कि यह किसका बीज है और इससे क्या फल प्राप्त होगा। तो इसी तरह एक अदृश्य है जो कि हमारी आत्मा है, और दूसरा अदृश्य है परम बीज है, वह परमात्मा है जो इस संपूर्ण प्रकृति की आत्मा है। हमारे शरीर नश्वर है, पंच तत्वों का मिश्रण है, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति की ही तरह है। हम सबके समक्ष दो रास्ते होते हैं, प्रेय मार्ग यानी कि जब मन प्रकृति में विद्यमान पदार्थों सजीव निर्जीव की कामना वासना में प्रवृत्त होता है। दूसरा श्रेय मार्ग यानी कि मन एक उसी की कामना में रत हो जाता है। हमारा शरीर सत्कर्म ही करें, मन नश्वरता में नहीं, अनित्य में नहीं, अपितु नित्य में रत रहे। लगातार -27।